दोस्तों, हम इंसान पिछले करीब 100 सालों से स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं और इस दौरान हमने इस फील्ड में बहुत कुछ अचीव भी किया है। जब हम स्पेस में किसी चीज को भेजते हैं तो वो एक दिन में नहीं हो जाता, बल्कि उसके पीछे कई सारी थियोरीज, कई सारे विचार छिपे हुए होते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो सभी थियोरीज और वो सारे के सारे विचार सही ही हो, उनमें से कई तो इतने अजीब होते हैं जिनको सुनकर आपका लॉजिक सुसाइड कर लेगा, और कई विचार ऐसे भी हैं जिनको सुनकर आप कहोगे कि भाई ऐसा करने की क्या जरूरत है। क्या आपको पता है कि अमेरिका, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में दुनिया का सबसे एडवांस देश माना जाता है, वो एक बार हमारे चांद पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करना चाहता था। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था और इसका नाम था प्रोजेक्ट A119। तो आखिर अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता था? क्या वो धरती के एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि हमारे चांद को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे थे, या फिर वो ऐसा किसी देश से बदला लेने के लिए कर रहे थे? आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट A119 की सारी डिटेल्स और इससे जुड़े सारे सवालों को बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हेलो गाइज, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। ये कहानी शुरू होती है 4 अक्टूबर 1957 से। इस दिन सोवियत यूनियन ने अपने स्पुटनिक 1 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। ये धरती को ऑर्बिट करने वाली पहली सैटेलाइट बनी थी, लेकिन इसी मिशन पर चलते हुए अमेरिका का प्रोजेक्ट वैंगार्ड फेल हो गया। इसके कारण अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में तनाव का माहौल छा गया था, क्योंकि अब सोवियत यूनियन, जो उनका दुश्मन देश था, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट में उनसे आगे निकल चुका था। बस फिर क्या था, अमेरिका ने सोवियत यूनियन को टक्कर देने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने शुरू कर दिए और वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए पानी की तरह पैसे बहाने लगे। इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट A119, जिसे स्टडी ऑफ ल्यूनार रिसर्च फ्लाइट्स भी कहा जाता है। अमेरिका के इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक ऑर्गेनाइजेशन आर्मोर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ARF साल 1949 से ही हमारे एनवायरनमेंट पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के असर पर रिसर्च कर रही थी। साल 1957 में फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब कहे जाने वाले एडवर्ड टेलर ने यह आइडिया दिया कि हमें चांद पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से होने वाले प्रभाव पर स्टडी करनी चाहिए, और ऐसा करने के लिए हम चांद पर न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट कर सकते हैं। साल 1958 में ARF ने मून की सरफेस पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने के बारे में स्टडी करना शुरू किया। ये वो समय था जब अमेरिका कुछ भी करके सोवियत यूनियन को पीछे करना चाहती थी और वहां की गवर्नमेंट लोगों में एक बार फिर से उत्साह पैदा करना चाहती थी। फिर क्या था, US एयरफोर्स ने ARF के साथ मिलकर मून की सरफेस पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को प्रैक्टिकल के साथ स्टडी करने का प्लान बना डाला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं ऑनलाइन रमी गेम जंगली रमी की, जिसके 25 मिलियन प्लस यूजर्स हैं और ये इंडिया में बिल्कुल लीगल है। आप इसमें रमी खेलकर बड़े अमाउंट्स जीत सकते हो। अभी इनका 10 करोड़ RPL 9 टूर्नामेंट और दूसरे छोटे टूर्नामेंट्स खत्म हुए हैं। RPL 9 टूर्नामेंट्स में प्राइज मनी के अलावा भी और भी कई सारे प्राइजेस थे, जैसे RPL 9 के विनर समीर परमार फ्रॉम गुजरात ने जीते हैं 5 आईफोन 11 और एक Hyundai Verna कार। अहमदाबाद के केतन मकवाना ने भी इस टूर्नामेंट में Hyundai i20 कार जीता है। वो जंगली रमी पिछले 5 साल से खेल रहे हैं और लास्ट ईयर जनवरी में उन्होंने जंगली चैंपियंस कप में रॉयल एनफील्ड बुलेट भी जीता था। उनके स्किल्स और हार्डवर्क ने उन्हें जीत दिला ही दी। कौन कहता है कि आप जंगली रमी में केवल एक ही बार जीत सकते हो? निरंतर मेहनत और स्किल्स आपको रमी में बड़ी जीत दिलाती है। जैसा कि मैंने बोला, इट्स ए गेम ऑफ स्किल एंड नॉट लक। इनके टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं जहां लोग खेलकर ह्यूज अमाउंट में कैश प्राइजेस जीत चुके हैं। फॉर एग्जांपल, सौरभ पटेल ने 63
68,000 रुपए जीते हैं। वहीं कुणाल दानी ने एक टूर्नामेंट में 1,00,000 रुपए जीते हैं। और अगर हम बड़ी जीत की बात करें तो लोगों ने RPL 9 में 75,00,000 रुपए होंडा सिटी कार और आईफोन्स भी जीते हैं इस पूरे सीरीज में। Isn't that amazing? अभी उनका एक वेलकम बोनस ऑफर चल रहा है जहां आपको 100% ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। आप अपने पैसों को जीरो विड्रॉल फी में विड्रॉ कर सकते हो। पैसे विड्रॉ करने के लिए आपका KYC अपडेटेड होना चाहिए। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, ये एक एपी के फाइल है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जल्दी से लिंक पे क्लिक करो, इस ऐप को डाउनलोड करो और ऑनलाइन जंगली रवि खेलो। शुरुआत में इसके पीछे की सोच ये थी कि ऐसा करने पर वो एक्सप्लोजन धरती के लोगों को भी दिखेगा और दुनिया इसे अमेरिका की कामयाबी के रूप में देखेगी। अल्टीमेटली अमेरिका के लोग एक बार फिर से अपनी गवर्नमेंट पर नाज करेंगे और स्पेस एक्सप्लोरेशन पर हो रहे पैसों के खर्च पर कोई भी सवाल नहीं उठाएंगे। जब इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा जा रहा था तब अमेरिका के न्यूज़पेपर्स में ये खबर बहुत ही ट्रेंडिंग थी कि सोवियत यूनियन मून पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना चाहता है। कहा तो ये भी जा रहा था कि 7 अक्टूबर 1957 यानी कि स्पुटनिक सैटेलाइट के लॉन्च के 3 दिन बाद वो ऐसा करने भी वाले थे, लेकिन ये सारे र्यूमर्स निकले और सोवियत यूनियन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर अमेरिका की एयरफोर्स तो अब ऐसा करने की प्लानिंग कर चुकी थी। इस प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च करने के लिए इलिनो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो में 10 लोगों की एक टीम बुलाई गई जिसको लीड कर रहे थे अमेरिका के फेमस फिजिसिस्ट लियोनार्ड रिफेल। इस टीम में डच एस्ट्रोनॉमर गेरार्ड क्विपर और वर्ल्ड फेमस अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सैगन भी शामिल थे। कार्ल सैगन को रिस्पांसिबिलिटी दी गई थी कि वो ये कैलकुलेट करे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने पर मून की डस्ट कितनी दूर तक उड़ेगी और क्या ये इवेंट धरती से साफ साफ देखा जा सकेगा। 10 मेंबर्स वाली इस टीम ने पहले तो वहां पर हाइड्रोजन बॉम्ब डेटोनेट करने का प्लान बनाया था, लेकिन चूंकि ये बॉम्ब काफी ज्यादा भारी होता है तो उन्होंने इसकी जगह पर W25 वॉरहेड का इस्तेमाल करने का डिसीजन लिया। W25 वॉरहेड की इंटेंसिटी साल 1945 में हिरोशिमा पर हुए न्यूक्लियर अटैक से करीब 10 गुना कम थी। इससे होने वाले एक्सप्लोजन से जो डस्ट उड़ती उसे सूरज अपनी लाइट से ग्लो कर देता और इस तरह वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन धरती पर रहने वाले लोग भी आसानी से देख पाते। US Air Force ने तो इसके लिए एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन जनवरी 1959 आते-आते साइंटिस्ट्स के मन में कई सारे इफ्स और बट्स आने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर लोगों को ये बात पसंद नहीं आई तो मतलब अगर इस प्रोजेक्ट को लेकर उन्हें पब्लिक का नेगेटिव रिएक्शन झेलना पड़ा फिर तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और लोगों का सपोर्ट भी सोवियत यूनियन के पाले में चला जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर अमेरिका इस मिशन को अंजाम देता है तो वो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश होता और फर्स्ट होने का मतलब सिर्फ कामयाबी ही नहीं बल्कि फेलियर्स को झेलना भी होता है। अगर न्यूक्लियर वॉरहेड मून पर ना जाकर वापस धरती पर ही गिर गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था और जापान पर किए न्यूक्लियर अटैक की यादें दुनिया अभी भी भूली नहीं थी। प्रोजेक्ट हेड लियोनार्ड रिफेल इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित थे कि अगर मून का एटमॉस्फेयर रेडिएशन से भर गया तो हम या दुनिया का कोई भी देश फ्यूचर में ना तो वहां पर कोई रिसर्च कर पाएगा और ना ही हम इसे अपना फ्यूचर होम बनाने की सपने को देख पाएंगे। इन सभी रीजंस के कारण आखिर में US एयरफोर्स और साइंटिस्ट की टीम ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का फैसला कर लिया। तो ये थी अमेरिका के प्रोजेक्ट A119 की कहानी। लेकिन वेट ए मिनट, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ये कहा था कि ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था, तो फिर मेरे पास इसके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आई? वेल, इसके बारे में हमें पता चलता है अमेरिका के एक ऑथर की ए डेविडसन के राइटिंग से। वो कार्ल सैगन की एक बायोग्राफी लिख रहे थे और इसी सिलसिले में वो उनके बारे में रिसर्च कर रहे थे। इस दौरान उन्हें कार्ल सैगन द्वारा एकेडमिक स्कॉलरशिप के लिए दी गई एक एप्लीकेशन मिली। ये एप्लीकेशन उन्होंने साल 1959 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के मिलर इंस्टीट्यूट में दी थी। इस एप्लीकेशन में सैगन ने प्रोजेक्ट A119 की काफी सारे शेयर कर दी थी जो एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। सैगन ने उस एप्लीकेशन में प्रोजेक्ट A119 से जुड़े 2 रिसर्च पेपर्स का जिक्र किया था। पहले का टाइटल था पॉसिबल कंट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूनार न्यूक्लियर वेपन्स डेटोनेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम्स इन प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमी और दूसरा था रेडियोलॉजिकल कंटेमिनेशन ऑफ द मून बाय न्यूक्लियर वेपन्स डेटोनेशंस। इसके अलावा साल 1961 में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल रिसर्च काउंसिल
के लिए लिखे एक रिसर्च पेपर कॉस्मिक रेडिएशन एंड ल्यूनर रेडियो एक्टिविटी में भी इससे जुड़ी कुछ बातें शेयर कर दी थी। उस समय कार्ल सैगन की एज कुछ 26-27 साल की थी और मुझे लगता है कि वो उस एज में इन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस और उनके लीक हो जाने पर होने वाले खतरों को नहीं समझ सके। साल 1999 में किए डेविडसन ने अपनी बुक कार्ल सैगन ए लाइफ पब्लिश की और कुछ ही दिनों बाद ब्रिटेन के फेमस साइंटिफिक जर्नल नेचर में इसका रिव्यू पब्लिश किया गया। इसके 3 साल पहले यानी कि साल 1996 में ही कार्ल सैगन इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन उनकी बायोग्राफी ने दुनिया में खलबली मचा कर रख दी थी। प्रोजेक्ट A119 के राज दुनिया के सामने आ रहे थे और लोग अमेरिका से सवाल पूछ रहे थे। इस सिचुएशन में लियोनार्ड रिफेल ने आगे आकर प्रोजेक्ट के सच होने पर मोहर लगाई और उन्हें ना चाहते हुए भी इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स को लोगों के सामने शेयर करना पड़ा। उसी साल अमेरिका में किसी इंसान ने इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए गवर्नमेंट को फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत एक रिक्वेस्ट डाल दी और फिर तो US गवर्नमेंट को इससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने ही पड़े और इस तरह अमेरिका के इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट का खुलासा हो गया। वेल गाइज, अब आपके मन में तो ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर प्रोजेक्ट A119 के कैंसल होने के बाद क्या इसे फिर से शुरू नहीं किया गया और क्या दूसरे किसी देश ने ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश नहीं की। वेल, इसके बाद किसी भी देश ने मून पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने जैसी वाहियात बात नहीं सोची। इसके पीछे का रीजन है साल 1963 की पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसके अनुसार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड ही किए जा सकते हैं, और साल 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी, जो स्पेस पर दुनिया के सभी देशों का बराबर अधिकार होने की बात कहती है। वैसे आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में मैंने आपके लिए एक एपिसोड लाने का प्रॉमिस किया था और वो एपिसोड जल्द ही आने वाला है। खैर, इन ट्रीटीज के आने से पहले तक अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने ही हाई एल्टीट्यूड्स पर कुछ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट्स कर लिए थे, लेकिन मून पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अंत में जब 1969 में अमेरिका जब मून पर इंसानों को भेजने में कामयाब हुआ तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस एक्सप्लोरेशन की रेस में सोवियत यूनियन को पीछे कर चुके थे और अब उन्हें अपने लोगों को खुश करने के लिए ऐसी कोई बेवकूफी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है कि क्या होता अगर अमेरिका ये मिशन सक्सेसफुली कर लेता। मेरा मतलब है कि क्या होता अगर हम इंसान एक्सपेरिमेंट के चक्कर में चांद को उड़ा देते तो क्या इससे हमें कोई फायदा या फिर कोई नुकसान होता? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या हो अगर हम अपने चांद को डिस्ट्रॉय कर दे तो? हमें कमेंट्स में बताओ। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या अमेरिका का प्रोजेक्ट A119 किसी भी मायने में सही था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं किया तो करके यारो यार, जल्दी जाके हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना मत भूलना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।